I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. तो गाइज ये है मेरे प्रीवियस वीडियो की टाइमलाइन, जो वीडियो आपने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन अभी के टाइम पे रिलीज़ नहीं हुआ, सैटरडे को कल शाम को 5 बजे रिलीज़ होगा। तो दिस इज़ द टाइमलाइन। एक्चुअली ये मैंने पूरा कलर ग्रेडिंग किया है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा जो है कलर ग्रेड हुआ है। ये ग्राफ वाफ, एक्चुअली ग्राफ को तो मैंने इतना हाथ नहीं लगाया, लेकिन अगर ब्राइट लो करने के लिए, बट अदर देन दैट तो मैंने मतलब इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ये पोर्शन ही है जिसमें मैंने पूरा कलर ग्रेड किया, पर अभी हम इतने भी प्रोफेशनल नहीं है कि मतलब एकदम एक्सट्रीम कलर ग्रेडिंग मेरे को नहीं आता, बट मेरे से जितना होता है उतना मैं ट्राई करता हूँ कि चलो ट्राई करने के लिए कोई वीडियो में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई एम लाइक कि कलर ग्रेड करेंगे। बट अगर विदाउट एनी रीज़न आप नोटिस करोगे तो मेरे नॉर्मल व्लॉग्स में कलर ग्रेड नहीं होता, बिकॉज आई थिंक कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तुझे करना चाहिए, बट आई थिंक यार व्लॉग जितना नेचुरल हो उतना ही बेटर है। जेन्युइनली गाइस, मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं फोन से व्लॉग करने की, मेरे को पूरा टाइम ट्राइपॉड पकड़ के व्लॉग करने की आदत है। मैंने फोन से व्लॉग करना ऑलमोस्ट 1-2 साल हो गए, मैंने छोड़ दिया। ये जब से मेरा गोपरा है तब मेरा एक प्रॉपर सेटअप है, जैसे कि अभी ये मेरा माइक हो गया, तो माइक मीडिया मॉड ये सब की आदत ही है मेरे को इस ये सब के बिना मेरे से एक्चुअली व्लॉग ही नहीं होता। तो मैं निकलता हूँ मेरा ट्राइपॉड, और ट्राइपॉड पे आईफोन को करेंगे माउंट और अच्छे से व्लॉग करेंगे। और गाइस, तो भी थोड़ा रिस्क लेके मैं शूट कर रहा हूँ आईफोन की वाइड एंगल पे, क्योंकि अभी इसमें गोप्रो में स्क्रीन होती है, तो इसमें स्क्रीन नहीं है, तो मेरे को पता नहीं कैसा दिख रहा है। बट ये हमने निकाल दिया है इसका जो भी बोलते इसको पैकेजिंग। भाई इतना पैकेजिंग के लिए 2 टेम्पर ग्लास देना चाहिए, इन लोग ने सिर्फ एक ही दिया है। दिस इज नॉट डन मैन। ये एक्चुअली मैंने अभी फोन चेंज कर दिया, मेरा पहले फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा कि मेरा गोप्रो हैंग हुआ था कल। भाई आईफोन में देखो कितना स्मूथ दिखता है, और कोई भी और भी फोन में रिकॉर्ड करो तो इतना स्मूथ नहीं दिखता। बारिश मजबूत हो गया, लेकिन इधर गिरते गिरते बचा मैं। और ये देखो मैंने एक्टिवा को पूरा ढक दिया, फिर भी अंदर पानी है, बट इससे थोड़ा सेफ हो जाता है। और ये भीगेगा तो भीगेगा, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये फुल प्लास्टिक बॉडी है और वो फुल मेटल है। तो यार अभी ऐसा लग रहा है कि आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इतना ज़्यादा छिपछिप हो रहा है पैर में बारिश की वजह से। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी आधे रास्ते पे तो पहुँच गए, अभी कोई मतलब नहीं है वापस जाके। बारिश आ गई फिर भी हम वैसे के वैसे ही। वाओ। तो अगर आपको नहीं पता, मेरे भाई ने भी व्लॉगिंग किया था मनाली में, स्पीति में व्लॉगिंग किया था, बट उसका व्लॉगिंग अगर मैं डालूंगा तो आप लोग क्या थोड़ा डिसलाइक करके चले जाओगे। ऐसे तो डिसलाइक बटन नहीं है, लेकिन वीडियो छोड़ के चले जाओगे आप लोग, तो मैं नहीं डाल सकता। दिनों बाद जिम किया, और सिर्फ कार्डियो था आज, तो मेरा भाई चल रहा है चल मत, तो कार्डियो था आज। पैर की बैंड बजी थोड़ी, और हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, बट फाइनली आज बहुत मज़ा आया इतने दिनों बाद जिम करके। वेदर जो है इतना ग्रेट नहीं है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी अंदर। अभी आपसे मिलेंगे सीधा घर पर जाके। अभी टाइम हो रहा है 4:30, और मैं दोपहर को भाई बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। मुझे लगा कि मैं इतने खूबसूरत वेदर में, मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं साइकिल लेके निकलूँ बाहर जाऊँ, बट एट द सेम टाइम मुझे एक गिल्ट फीलिंग आ रही थी यार कितना और टाइम पास करूँगा मैं, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो मैं पढ़ने बैठा। अभी अपनी चल रही है थोड़ी वेब डेवलपमेंट साइड की कोडिंग, तो दिखाता हूँ मैं। अभी मैं पढ़ रहा था ऑल अबाउट लिंक्स की, अगर आप एक लिंक क्रिएट करते हो आपके वेब पेज पे तो वो किस तरह से डिस्प्ले होता है। तो मेरा ये जो लाइव सर्वर है, अपन अगर जाना चाहे लाइव सर्वर पे, मैं चाहता हूँ मेरे लाइव सर्वर पे दोनों हाथ होने चाहिए, क्योंकि एक हाथ से अगर मैं, दिस इज माय वेरी बेसिक लाइव सर्वर। अभी तो मैं बस स्टार्ट किया, मैंने 1-2 दिन ही हुए,
तो मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया, तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे डाली है विच यू कैन सी आई लव क्रिएटिंग कॉन्टेंट, यू कैन चेक आउट माई यूट्यूब चैनल हियर। तो अगर आप हियर दबाते हो तो मेरी पूरी चैनल खुलेगी, एंड एट द सेम टाइम अगर मुझे फिर से अगर आपको मेरा इंस्टा दिखाना है तो ये देखो, दिस इज़ द जॉब दैट्स गोइंग ऑन इन द बैक एंड, कि मतलब मैंने एक इस तरह से एक लिंक बनाई है फ्रॉम विच यू कैन, मतलब ये दिखता नहीं है किसी को बिकॉज दिस इज इनसाइड द बॉडी एलिमेंट, बट स्टिल अगर आप बेसिक वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो तो ये जो सारी चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा टेक्निकल होती है और बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये सब सीख तो आप कोई भी सीख सकता है, बट सीखने के बाद का जो प्रोसीजर होता है उसमें ये होता है कि आप सब चीज़ों को एक पेज में इंप्लीमेंटेशन कैसे लाते हो। तो मैं चैप्टर वाइज हमेशा पढ़ता हूँ, और ये ट्यूटोरियल जो मैं अभी फ्री कोड कैंप का कर रहा हूँ वो भी चैप्टर वाइज है, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी। तो मैं चैप्टर वाइज अगर जब चीज़ें करता हूँ तो मेरे को चीज़ें याद होती है कि फर्स्ट चैप्टर में ये था, सेकंड में ये था, थर्ड में ये था। एज ऑलवेज अपने को तो भाई कलर कोडिंग के अलावा पढ़ने को होता ही नहीं, तो ये एक्चुअली मेरा थर्ड चैप्टर था टेक्स्ट बेसिक्स। उसमें हमने टेक्स्ट के बारे में देखा था कि भाई टेक्स्ट का जो डिस्प्ले होता है, विजुअलाइजेशन होता है, फिर लिस्ट जब आप बनाते हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 लोगों को लगता हो कि प्रोग्रामर्स 1 2 3 4 लिखते होंगे, बट ऐसा नहीं होता। अभी पहले मैं भी ऐसा सोचा था जब मैंने चालू किया था, फिर मैंने भी धीरे धीरे मैंने फिगर आउट किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता। तो भाई बहुत होगी पढ़ाई की बातें, ये सब अभी ये तो चलता रहेगा भाई मेरा पूरा एक एक्चुअली 4:30 हो रहा है अभी, मेरा वीडियो रिलीज होगा 5 बजे और मैंने अब तक कुछ भी सेटअप नहीं किया, उसका टाइटल थंबनेल कुछ भी डाला नहीं है, तो मैं सब करूँगा अभी और 5 बजे वीडियो विल गो लाइव। गाइस तो अभी हम लोग आए थे मलाड बैक रोड और थोड़ा बारिश भी कम थी, तो मैंने बोला डे लाइट में अच्छे से आईफोन से शूट भी हो जाएगा और एक छोटी सी राइड भी मार देते, तो मैंने बाइक काफ़ी मस्त चला है। एक्चुअली थोड़ा थंप आ रहा है बाइक में फर्स्ट या सेकंड गियर पे, यूजुअली बाइक इतना खींचना नहीं पड़ता मुझे, बट सेकंड गियर पे भी बाइक नॉर्मल स्पीड में स्ट्रगल कर रहा है, पता नहीं क्यों क्या है, एक्सीलेटर केबल का प्रॉब्लम होगा। ये लास्ट टाइम हम लोग ने जो चेंज किया था, एक्सीलेटर केबल चेंज नहीं किया, क्लच चेंज हुई थी, तो ये बाकी है। एंड टॉकिंग अबाउट द ब्राउन कलर, तो ये ब्राउन कलर बारिश से बहुत ज़्यादा बचाता है, तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई बाइक है जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मेटल है, एल्यूमिनियम है, इसमें मेटल ज़्यादा है, तो इसके लिए मैंने पूरा इसको ब्राउन कलर किया और बारिश के बाद निकाल देने का पूरा बाइक चमक जाता है। अब मेरी ज़्यादा फटी इसलिए थी, मुझे लगा बारिश आएगी, बट क्या मस्त हवा आ रही है, मैंने बोला एक छोटी सी स्पिन मार के आते हैं। आज तक कभी व्लॉग में डाला नहीं कि मैं मेरा बाइक चला रहा हूँ, तो एक लास्ट शॉट ले लेते हैं बाइक चलाते हुए, ऑब्वियसली विद हेलमेट। तो रॉयल एनफील्ड से लोगों को डर बहुत लगता है, बट मेरे लिए थोड़ा पीस ऑफ केक हो गया है कि ये बाइक चलाना, बिकॉज यूजुअली अभी मेरे को आदत बहुत हो गई है।